किसानों का बिजली बिल माफ करना होगा, किसानों का बिजली बिल माफ करना होगा। सड़कों पर बैठा ये किसान हाथों में तख्ती और बिजली माफ करो हेमंत सोरेन के नारे लगाते किसान की आवाज को बीजेपी ने राजनीतिक तूल देना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर सुखाड़ के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि झारखंड के सभी जिलों में सुखाड़ की स्थिति बन गई है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की जरा भी सुध नहीं ले रही है। सरकार को जल्द से जल्द यहां सुखाड़ घोषित कर राहत देने में जुट जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक किसानों की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज कर देगी। झारखंड सरकार चैन की नींद सो रही है। अभी तक सरकार ने आकलन तक नहीं करा पाया कि राज्य में कितनी वर्षा हुई या नहीं हुई, कितना रोपा गया कि नहीं रोपा गया। जबकि सच्चाई तो ये है, जब आप गांव की ओर जाएंगे तो जो बिछड़ा डाला गया था वो सब बिछड़ा मर गया है। कहीं एक भी एक हमने जितना घुमा कहीं एक भी रोपाई वाला खेत नहीं देखा। तो हम लोग आज सरकार को चेतावनी देने के लिए यहां धरना पर बैठे हैं कि अविलंब राज्य को और दुमका जिला को सुखाड़ घोषित करें और किसानों को जो उनसे संबंधित एक एक सुविधा देने का वो काम करे, राहत दे। और अगर वो नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले हम सभी जिला मुख्यालयों में धरने पर बैठे हैं। और जो बारिश समय पर नहीं हो पाई है, किसान काफ़ी विचलित हैं। अब लगभग खेती का समय भी समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है। पिछले 21 तारीख को महामहिम राज्यपाल के नाम दुमका के उपायुक्त के माध्यम से हमने किसान मोर्चा के तहत एक ज्ञापन भी सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। आज दुमका सहित पूरे झारखंड प्रदेश को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। झारखंड के किसानों के सच्चे हितैषी कौन हैं? इसे किसान शायद समझे या ना समझे, लेकिन राजनीतिक दल वाले तो अपने आप को इनके बड़े हितैषी साबित करने में जुट गई है और किसानों की मांग को लेकर मोर्चा खोलते हुए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। झारखंड में अब किसानों के मुद्दे को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। कुछ समय पूर्व जब हेमंत सोरेन यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने इसी किसान के मुद्दे को लेकर के, इसी सुखाड़ के मुद्दे को लेकर के केंद्र की सरकार को घेरा था कि केंद्र सरकार झारखंड की तरफ ध्यान नहीं देती, यहाँ के किसानों का ध्यान नहीं देती। तो अब जवाब में बीजेपी भी उतर आई है, उसने भी पूरे झारखंड में प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है इसी किसान के मुद्दे को लेकर के कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार किसानों का ध्यान नहीं देती, सुखाड़ की स्थिति पूरे राज्य में बन गई है, बन ही नहीं गई है बल्कि एक तरह से सुखाड़ हो ही गई है। अब इसकी विधिवत घोषणा होने बाकी है लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को यह चेतावनी भी दे डाली कि अगर वह जल्दी ही किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लेती है तो झारखंड की विधानसभा में तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सदस्य हैं वे आवाज़ जोर तरीके से उठाएंगे ही और उससे भी ज़्यादा जोर से भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी ताकि किसान का जल्दी से जल्दी भला हो सके। अब किसान इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है कि उसके पक्ष में झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार है, क्योंकि करना तो किसी को कुछ नहीं है। हाँ, वाहवाही जरूर उठना है और अपने वोट बैंक का जुगाड़ जरूर करना है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।